एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आप बात करेंगे जिस तरह से लग्नों के हिसाब से व्यक्तित्व का चरित्र का वर्णन किया गया है कि भाई ये इस लग्न में जन्म हुआ है, जैसे मेष लग्न में जन्म हुआ है तो जातक लंबा होगा, उसका जो मुख पर कोई चिन्ह हो सकता है, मस्तक पर निशान हो सकता है, उसका जो लालिमा हुआ रक्तिम वर्ण वाला होगा। इस तरह से जो भी शास्त्रों में या हमारे गुरुजनों ने या ज्योतिषचार्यों ने वर्णन किया है मेष लग्न के बारे में, इस तरह का व्यक्तित्व होगा वो मेष लग्न वाले का, वो प्रभावशाली होंगे, वो स्वतंत्र विचारधारा के होंगे और जो क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, चंचल हो सकते हैं, उग्र प्रकृति के हो सकते हैं। तो ये जो वर्णन हर एक लग्न के बारे में ऐसा किया जाता है, जैसे ये मेष लग्न का, ऐसे 12 लग्नों के बारे में जो वर्णन किया जाता है, ये जब भी फलीभूत हो सकता है जब जो जातक का जो लग्न है का और लग्न का स्वामी, मान लो लग्न का स्वामी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्च राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, स्वराशि का हो, उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, पाप ग्रहों से युति नहीं हो और बलि हो के बैठा हो, अच्छे अंशों में हो, तो इस तरह से ये जो लग्न का स्वामी की स्थिति बताई, ऐसी लग्न भाव पे भी शुभ ग्रहों का ही प्रभाव हो या वहाँ शुभ ग्रहों की युति हो और शुभ ग्रहों द्वारा बलि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाता हो, तो तभी जो ये शास्त्रों में बताया गया वो अप्लीकेबल होता है हर एक जातक का जो लग्न होता है उसके ऊपर। तो ये स्थिति होना चाहिए लग्न की, लग्न भाव की और लग्न भाव के स्वामी की जो स्थिति हमने बताई, अगर ऐसी विशेष स्थिति होती है तभी जो शास्त्रों में बताया गया है उस तरह का जातक हो सकता है। बाकी ये सरल सा एक विचार था, वो उसको आपके सामने रखा है। आप हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उस पर डिटेल में वीडियो लग्नों के अनुसार उपलब्ध हैं, उनका आप ज़रूर देखिए और उसका लाभ उठाइए। और हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।